रांची के किशोरगंज चौक पर एक गुट के 70 से 80 लोगों ने एक साथ शनिवार की रात 9:15 बजे के करीब प्रीति स्वीट्स के संचालक लाल रुद्रदीप नाथ शाहदेव और उनके स्टाफ मनोज यादव पर हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद दोनों को सदर अस्पताल ले जाया गया। शाहदेव के सर में 4 टांके लगे हैं, जबकि मनोज यादव को पेट में चोट लगी है। उन्होंने खून की उल्टी की है। इस मामले में प्रीति स्वीट्स के संचालक लाल रुद्रदीप नाथ शाहदेव ने कोतवाली थाना में लिखित शिकायत की है। इसमें अकरम, दानिश और खालिद सहित 70 से 80 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि किशोरगंज चौक पर हिंद पीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी बिल्डर नीलेश लाल ने अपनी वैगनार कार सड़क किनारे खड़ी कर रखी थी। इसी दौरान स्कूटी सवार युवक ने कार में धक्का मार दिया। इसे लेकर दोनों पक्षों में थोड़ी कहासुनी हुई। फिर प्रीति स्वीट्स के संचालक और स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ, लेकिन इस बीच स्कूटी सवार युवक ने मामले की सूचना फोन पर किसी को दी, जिसके बाद एक गुट के लोग 70 से 80 की संख्या में तलवार और लाठी डंडे से लैस होकर पहुंच गए। तो आपको बता दें कि बिल्डर की कार में स्कूटी की टक्कर से ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद 70 से 80 की संख्या में वहां पर लोग पहुंच गए और हमला कर दिया। आपको बता दें कि किशोरगंज चौक में मिठाई दुकान के संचालक और स्टाफ पर हमला हुआ है। प्रीति स्वीट्स के संचालक पर यह हमला हुआ है। लाल रुद्रदीपनाथ स्टाफ मनोज यादव को पेट में चोट लगी है। वही कोतवाली थाना में लिखित शिकायत जो है वो दर्ज कराई गई है। 70 से 80 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। विरोध में व्यवसायी आज बंद रख सकते हैं दुकान। बिल्डर की कार में स्कूटी की टक्कर से शुरू हुआ यह विवाद। एक गुट के 70 से 80 लोगों पर हमला करने का आरोप है। किशोरगंज चौक में मिठाई दुकान के संचालक और स्टाफ पर हमला हुआ है। लाल रुद्रदीपनाथ शाहदेव के सर में 4 टांके लगे हैं। वही स्टाफ मनोज यादव को पेट में चोट लगी है। कोतवाली थाना में लिखित शिकायत जो है दर्ज कराई गई है। 70 से 80 अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है। बता दें आपको कि इस विरोध में व्यवसायी आज दुकान जो है वो बंद रख सकते हैं। बिल्डर की कार में स्कूटी की टक्कर से ये विवाद शुरू हुआ। तो किशोरगंज चौक में मिठाई दुकान के संचालक और स्टाफ पर हमला हुआ और जो संचालक है उनके सर में जो है चोट लगी है, जिस वजह से उनके सर में 4 टांके लगे हैं। वह स्टाफ मनोज यादव के पेट में चोट लगी है। कोतवाली थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई है। इस पर अधिक बातचीत के लिए हमारे साथ सीधे जुड़े हमारे संवाददाता दीपक। दीपक, क्या मामला है ये किशोरगंज चौक पर जो हुआ है? मिठाई दुकान के संचालक पर जो है वार किया गया है, उसके स्टाफ को भी पीटा गया है, पूरा मामला क्या है? शनिवार की रात लगभग 8:30 बजे के आसपास किशोरगंज चौक के समीप जो आप देख पा रहे हैं प्रीति स्वीट्स, यहाँ पे एक बिल्डर के द्वारा यहाँ पे गाड़ी लगाई गई थी ठीक दुकान के सामने, और पीछे से एक स्कूटी सवार जिसमें दो लोग सवार थे उनके द्वारा धक्का मार दिया गया। धक्का मार देने के बाद दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ, बिल्डर और स्कूटी सवार लोगों पे। तो विवाद को बढ़ता देख जो प्रीति स्वीट्स के जो संचालक है, दुकानदार है, उनके द्वारा बीच बचाव किया गया। तो बीच बचाव करने के बाद स्कूटी पे सवार जो दो युवक थे उन्होंने फोन कर अपने लोगों को बुलाया। कम से कम 70 से 80 लोग जो हरवे हथियार के साथ यहाँ पे पहुँचे। तब तक जो बिल्डर थे वो चले गए थे, लेकिन जो प्रीति स्वीट्स के जो संचालक है रुद्रदीप नाथ सहदेव और उनके स्टाफ मनोज यादव, उनके साथ मारपीट की गई और गंभीर रूप से उन्हें घायल कर दिया गया। और इसी के विरोध में आज आप देख सकते हैं कि यहाँ पे
किशोरगंज चौक के समीप जितने भी दुकानदार हैं उन्होंने अपनी दुकानें बंद रखी है, विरोध कर रहे हैं कि यहाँ पे आज दुकानें नहीं खुलेगी। तो कह सकते हैं कि एक मामूली विवाद में इस तरह की जो वारदात है, इस तरह की मारपीट है जो नहीं होनी चाहिए जो हुई है। स्थानीय लोग हैं, हम उनसे ही बात करते हैं। आज आप लोगों ने दुकान बंद रखा है, ये सब इन लोगों ने बहुत जोर जबर से किया है। पुरानी रांची से 100-150 लड़का उठ के आया और सीधा लड़का को मार के लोग रात में चल दिया यहाँ से। विवाद क्या हुआ था, कैसे विवाद हुआ और मारपीट तक पहुंच गया? बात के लिए हुआ था विवाद, हमको उतना जानकारी नहीं है, लेकिन हमको अभी पता चला कुछ ऐसे ही, बस कोई खास बात नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती मारा पीटा गया। वो लोग 100-150 लड़का आया था बोला, और उसको ऊपर बहुत जुल्मी अत्याचारी किया एकदम। हथियार के साथ लोग आए? हथियार समेत था, तलवार वार हॉकी डंडा सब था वो लोग पास। मारपीट किया है तो वो इलाज चल रहा? हाँ, हॉस्पिटल में है, इलाज अभी चल रहा है। टांका आया हुआ, किसको पेट में भी चोट आया है, ऐसा ही हुआ बात। देखिए, कल एक मामूली विवाद में इस तरह की यहाँ पे वारदात हुई, और बीच बचाव करने के लिए जो प्रीति स्वीट्स के जो संचालक है और उनके स्टाफ है वो पहुंचे थे, और उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई, गंभीर रूप से घायल कर दिया गया। और उसके बाद कल ही यह बातें स्थानीय दुकानदारों ने कही थी कि यहाँ पे जितने भी दुकानदार हैं वो विरोध में आज अपनी दुकानें बंद रखेंगे। जितने लोग वहाँ पहुंचे हुए थे, जितने लड़के वहाँ पहुंचे हुए थे, 70-80 संख्या में थे, तो क्या पुलिस द्वारा किसी को गिरफ्तार किया गया है? मामूली विवाद जो कि इतना बढ़ नहीं सकता था, बढ़ना नहीं चाहिए था, लेकिन इस तरह की जो घटना हुई है जो कह सकते हैं कि वो ठीक नहीं है, और तमाम यहाँ पे दुकानें हैं वो बंद है, सभी ने अपनी विरोध में अपने दुकानों को बंद रखा है। तो हम कुछ और भी दुकानदार से भी बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आज दुकानें आप क्यों बंद रखे हैं। जी बताइए भैया, कल क्या हुआ था यहाँ पे? उतना खास पता नहीं भैया, हम लोग तो खड़गपुर खाना खा रहे थे, लेकिन पूरा भीड़ हल्ला हो रहा था, उतर के देखे तब तक पूरा हल्ला हो रहा था पूरा, बस समझ में नहीं आया कुछ हम लोग को। आज सभी ने अपना दुकानें बंद रखा है? हाँ, बंद रखा है। कल बस हो गया था। और भी लोगों से जानेंगे कि यहाँ पे हुआ क्या था, एक्चुअल में क्या हुआ था बाबा कल, और आज सभी दुकानें यहाँ पे बंद? हमको नहीं पता है भाई, हम तो बाहर के हैं। तो बाहर के हैं, तो देखिए यहाँ पे जिस तरीका से कल हुई है, क्या हुआ था भैया यहाँ पे? स्थानीय दुकान है, अगल बगल आपका दुकान है? हम लोग स्टाफ है, हम लोग रूम चल गए। तो चलिए देखिए, कल जिस तरीका से यहाँ पे हुआ है, एक बिल्डर के द्वारा प्रीति स्वीट्स के ठीक सामने गाड़ी लगा के वो खड़ा था या कुछ खरीद रहा था, और उसी दरमियान पीछे से जो दो युवक जो स्कूटी पे सवार थे वो आते हैं, उन बिल्डर के गाड़ी को पीछे से धक्का मार दिया जाता है। धक्का मारने के बाद बिल्डर और दोनों युवकों के बीच कहा सुनी होती है, विवाद होता है, और उसी बीच विवाद जब बढ़ता है तो फिर जो प्रीति स्वीट्स के जो संचालक है और उनके स्टाफ है वो बीच बचाव के लिए वहाँ पे पहुँचते हैं और मामला को शांत करा दिया जाता है। मामला शांत होने के बाद बिल्डर यहाँ से चले जाते हैं, और वो दो स्कूटी पे सवार जो दो युवक थे उन्होंने फ़ोन कर 70-80 लोगों को यहाँ पर बुलाता है, जो हरवे हथियार के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं, और उसके बाद प्रीति स्वीट्स के जो संचालक है और उनके स्टाफ है उनके साथ मारपीट की जाती है। मारपीट इतनी गंभीर रूप से की जाती है कि गंभीर रूप से दोनों को घायल कर दिया जाता है, और जिनका दोनों का इलाज फिलहाल अभी अस्पताल में चल रहा है। और इसी के विरोध में आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे तमाम दुकानें किशोरगंज चौक के समीप जितने भी दुकानें हैं सभी दुकानें यहाँ पे बंद है, सभी ने विरोध के को लेकर के आज बंद रखा है। तो कह सकते हैं कि इस तरह की छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी विवाद को लेकर इतना बड़ा विवाद खड़ा नहीं होना चाहिए था कि किसी पे जानलेवा हमला, जान लेने पे उतारू लोग हो जाए, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। और स्थानीय जो पुलिस है उसे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि बगल में ही जो है पुलिस चौकी है, पुलिस के जवान यहाँ पे तैनात होते हैं, ट्रैफिक के जवान होते हैं, तो इस तरह का जब विवाद हुआ तो उस वक्त आखिर पुलिस यहाँ पे मौजूद क्यों नहीं थी, ये भी सवाल होता है, क्योंकि ये VIP रोड है, तमाम मंत्री से लेकर के बड़े बड़े अधिकारियों का आवागमन इसी सड़क से होता है, और वैसे में अगर इस बीच सड़क पर अगर इस तरह की वारदात होती है, किसी पे जानलेवा हमला होता है, जान से मारने की कोशिश कर सकते हैं कि की जाती है, तो ये इस पर जो है पुलिस को भी नकेल कसने की ज़रूरत है और ध्यान देने की ज़रूरत है, तभी इस तरह की जो घटनाएं, जो छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटी छोटी विवादों को लेकर इस तरह का बड़ा जो विवाद बन जाता है और विकराल रूप ले लेता है, जान लेने पर लोग उतारू हो जाते हैं, तो इससे लोगों को बचना चाहिए और इससे
पर पुलिस प्रशासन को भी विशेष तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, तो अभी फिलहाल क्या किसी की गिरफ्तारी की बात सामने आई है? क्योंकि इतने लोग, इतनी काफी संख्या में वहां पर लोग पहुंचे थे, तो कहीं ना कहीं जब शिकायत दर्ज करा दी गई है तो क्या पुलिस की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? एफआईआर दर्ज करने की जो प्रक्रिया है वो देर रात चल रही थी, लेकिन अभी तक एफआईआर हुआ है कि नहीं इसका पुख्ता अभी तक कोई जानकारी नहीं है। और गिरफ्तारी, जबकि चूंकि जो गिरफ्तारी की जो बात सामने आई है, क्योंकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन जो सामने बात आई है कि 70 से 80 लोगों के खिलाफ जो है प्राथमिकी दर्ज हुई है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी की कोई सूचना नहीं है। लेकिन अब देखना होगा कि जिस तरीका से ये घटना घटी है और उसके विरोध में आज तमाम यहाँ पे दुकानें बंद है, तो पुलिस प्रशासन, जो स्थानीय पुलिस है, वो कब तक अपराधियों को गिरफ्तार करती है? क्योंकि जिस तरीका से ये एक हरवे हथियार के साथ किसी पे अगर जानलेवा हमला होता है, निहत्ते लोगों पे जानलेवा हमला होता है, 70 से 80 लोग हरवे हथियार के साथ पहुंचते हैं और घटना को अंजाम देते हैं, तो वैसे में गिरफ्तारी होनी चाहिए। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन के द्वारा कब तक गिरफ्तारी की जाती है। प्राथमिकी अगर दर्ज हुई है तो गिरफ्तारी भी होनी चाहिए, अब उसके लिए देखना होगा कि कब तक गिरफ्तारी हो पाती है। चलिए दीपक, तो अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब तक जो है पुलिस एक्शन में आती है और इस पर जो है स्टेप लेती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक तमाम बातचीत के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।